स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, कोशिका की संरचना, लेक्चर 2. द कंटेंट्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर आर सेल वॉल, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शंस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना प्लाज्मोलाइसिस. हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्यों के बारे में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसको हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं उसके बारे में. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल वॉल. कोशिका भित्ति क्या होती है? यू सी अ प्लांट सेल इज हियर एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज यू सी हियर, जस्ट आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर देयर इज अनदर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. कोशिका भित्ति के अलावा पादप कोशिकाओं में एक और दृढ़ बाह्य परत होती है जो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर होती है, या कोशिका भित्ति के नाम से जानी जाती है. जैसा कि हम देख रहे हैं, जो कोशिका झिल्ली है उसके बिल्कुल बाहर की तरफ एक और जो परत है वो है जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं. इट इज नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल एंड इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यह निर्जीव एवं पूर्णतः पारगम्य होती है तथा कोशिका झिल्ली की रक्षा के लिए स्वयं इसका निर्माण कोशिका करती है. Now let's discuss about the structure. It is found in bacteria, fungi and algae. यह बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में भी पाई जाती है. In bacteria, the cell wall is composed of protein and non-cellulosic carbohydrates. Bacteria में है protein एवं गैर cellulose की बनी होती है. But in plants, it is made up of cellulose. परंतु पादप कोशिका में यह cellulose की बनी होती है. So we know it is the cell wall is in plant cell is made up of cellulose. Now let's discuss about some functions of cell wall. It provides mechanical strength to the cell. यह कोशिका को मजबूती प्रदान करती है. It controls the size and shape of the cell. यह कोशिका के आकार एवं आकृति को नियंत्रित करती है. It counteracts, that means protects the cell against the osmotic pressure exerted by the cell contents. When too much water is absorbed through the osmosis by the cells of the plant, it counteracts the pressure created by that absorbed water or the into the cell contents. यह पराशरण के फलस्वरूप लगने वाले अत्यधिक दबाव का विरोध करती है. पराशरण के फलस्वरूप कभी कभी रूट्स बहुत अत्यधिक मात्रा में जल को ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण उनकी जो सेल्स यानी जो कोशा है उन पर एक दबाव बनता है. तो उस दबाव को ये उस दबाव का विरोध करती है जिससे जो कोशा है वो नष्ट होने से बच जाती है. इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू जाइलम वेसल एंड ट्रैकेम. यह जल एवं अन्य तत्वों के जाइलम यानी दारू एवं ट्रैकेट की सहायता से परिवहन में मदद करती है. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल एक्सपेंशन. यह कोशा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. क्यूटिन एंड सुबेरिन विच इज प्रेजेंट इन इट इन द प्लांट सेल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय द इवेपोरेशन. पादप कोशिका में मौजूद क्यूटिन एवं सुबेरिन वाष्पीकरण के दौरान होने वाली जो जलीय हानि होती है उसकी रोकथाम भी करता है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम पैथोजेंस. यह कोशा की रोगाणुओं से रक्षा करता है. Now we'll discuss about plasmolysis. आइए अब देखते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन क्या है. Suppose this is a plant cell and this inner membrane will be called cell membrane and this outer one will be called the cell wall in a plant cell. If this cell is subjected to a hypertonic solution, अगर इस पादप कोशा को हम एक hypertonic solution यानी कम जलीय सांद्रता वाले क्षेत्र में रख दें तो जो इसके जो प्रोटोप्लाज्म है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो जलीय सांद्रता है वो उसके बाहर सेल के बाहरी वातावरण से अधिक है. एज अ रिजल्ट दिस प्रोटोप्लाज्म विल श्रिंक बिकॉज इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस फलस्वरूप जो जल है प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो सेल के बाहर आ जाएगा
और जो प्रोटोप्लाज्म अंदर है वो सिकुड़ जाएगा, बट इससे पादप सेल की जो कोशा है उसके शेप और साइज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो इंटैक्ट होती है, वो शेप और साइज को उसके प्रोटेक्ट करके चलेगा, बट जो प्रोटोप्लाज्म है वो अंदर संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इसको ही हम जीव द्रव्य किंचन या प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अपने आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। फेसबुक पर हमारा पेज सॉर्ड इंडिया को लाइक कीजिए हमारे डेली अपडेट जानने के लिए, और आपकी अगर कोई क्वेरी भी है तो आप वो फेसबुक के हमारे सॉर्ड इंडिया पेज पर भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।